दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। क्विड कार सॉल्यूशन ऑटो शॉप की इस बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, सिस्टम नॉट कॉन्फिगर्ड, प्लीज़ कनेक्ट डियाग टूल, यानी डायग्नोस्टिक टूल। तो ये मैसेज देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो है वो इस प्रॉब्लम पर आधारित है। तो इसे अभी तक इंडिया के अंदर शायद रिजॉल्व नहीं किया जा रहा था थ्रू यूट्यूब वीडियो, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक वीडियो अपने कस्टमर्स के लिए बनाऊं और उनको ऑनलाइन थ्रू पेन ड्राइव एक्सेस दूं, ताकि वो इस समस्या को, जो कुछ ये समस्या अपने आप तो आती नहीं है, इसको कहीं ना कहीं छेड़खानी करते वक्त गलती से आदमी सिस्टम को रिस्टोर कर देता है और ये जो मेन डाटाबेस है सॉफ्टवेयर, वो हार्डवेयर से लिंक हट जाता है, जिसकी वजह से आपके ये मीडिया नेविगेशन में ये मैसेज आने लगता है। उसके बाद आप अपना मीडिया नेविगेशन ऑपरेट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम आज की इस वीडियो को देखेंगे और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा हमारी वेबसाइट quidcarsolution.in पे, जिसमें ये सॉफ्टवेयर हम परचेज़ करेंगे और परचेज़ करने के बाद ऑनलाइन अपने अकाउंट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद पेन ड्राइव में कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं अपना लैपटॉप उठा लेता हूँ और उसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे उसको पहले परचेज़ करना है, उसके बाद फिर उसके जो कितने स्टेप हैं और कैसे कैसे उसको यूज़ करना है। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने लैपटॉप के ऊपर और अब हम अपने लैपटॉप में चलते हैं डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ हम टाइप करते हैं quidcarsolution.in और उसको टाइप करने के बाद हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये मेन मेनू में सॉफ्टवेयर नाम का जो कॉलम है, वहाँ आपको जो थर्ड ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा कनेक्ट द ऐप टू। ठीक है, आज इसको हम परचेज़ करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे अपने मीडिया नेविगेशन में कनेक्ट द ऐप टू प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो उसके बाद इसके साथ साथ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आप यहाँ देखेंगे कि नीचे एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट मीडिया नेव अपडेट 9.1.3। तो आपका कोई भी वर्जन हो, 7.0.5 हो, 8.0.5 हो, 9.1.1 हो, 9.1.2 हो, ये चार ऑप्शंस, या 6.0.3 हो, पांच ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हो, वहाँ से आप अपग्रेड करके 9.1.3 में आ सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही हम ये कनेक्ट डी एक्ट टूल प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो मीडिया नेविगेशन होगा वो डाउनग्रेडेड हो जाएगा 6.0.3 में। बाकी सब चीज़ें काम करेंगी, लेकिन जब आप मैप को क्लिक करोगे तो मैप वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैप इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि आपका मैप हायर वर्जन का है और आपका वर्ज़न 6.0.3 वहाँ पे दिखा रहा होगा, जो कि मैप की फाइल को, लाइसेंस को सपोर्ट नहीं करेगा। तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस सॉफ्टवेयर की, जो कि है मीडिया नेव अपडेट 9.1.3। इसे आप परचेज़ कर लीजिएगा। अब चलते हैं सीधा अपने मेन मुद्दे पर, और कनेक्ट डियाग टूल पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं इस सॉफ्टवेयर पर, सिस्टम नॉट कॉन्फिग, कनेक्ट डियाग टूल रीस्टोर सॉफ्टवेयर वर्जन है। तो किस किस वर्जन के लिए काम करेगा, 6.0.3 से लेकर 9.1.3 तक, इसके बीच में जितने भी सॉफ्टवेयर वर्जन आते हैं उसके लिए ये काम करेगा। तो यहाँ आप इसे परचेज़ करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ आप जाएं और लॉग इन माई अकाउंट पे जाके अपना एक अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लें, रजिस्टर कर लें। आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, कोई भी यूज़र नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी, अपना कोई भी पासवर्ड यहाँ डालिए, अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर उसी मैं यहाँ पे
अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। तो ये आ गया मैं अपने अकाउंट में, और मेरा अकाउंट में आने के बाद मैं अपने ऑर्डर्स में, माय ऑर्डर्स में जाके चेक करूँगा। तो अभी मेरे जितने पुराने ऑर्डर्स हैं यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे और मैं उनको यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ। तो अब मैं नया ऑर्डर करने वाला हूँ, और ये ऑर्डर है कनेक्ट डीएक टूल। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं अब सीधा इसको परचेज करने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप पहले लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद ऐड टू कार्ट कीजिए। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे कार्ट में, और यहाँ क्योंकि मैंने पहले भी कर लिया था तो दो क्वांटिटी आ रही है, मैं इसे वन कर लेता हूँ। वन क्वांटिटी होने के बाद मुझे पे करना है 1499, यानी कि 1499। मैं इसे प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस डिटेल वगैरह फिलअप करने के बाद पेमेंट ऑप्शन को यहाँ देखूँगा, और इसे मैं रीड करके प्लेस ऑर्डर कर दूँगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के तुरंत बाद मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ अभी हम वेट कर लेते हैं। ये आ गया है पेमेंट का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे कोई भी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी है, और पेमेंट करने के बाद मैं चलता हूँ अपने ऑर्डर्स में, चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट आया कि नहीं आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ये ऑर्डर नंबर है 17388, जो कि मैंने 3 तारीख को किया है, और कंप्लीटेड एड्रेस ये स्टेटस में दिखा रहा है। प्राइस मैंने 1499 पे किया है, वन आइटम है इसमें। और इसे व्यू कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऑर्डर के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सॉफ्टवेयर नॉट सिस्टम नॉट कॉन्फिगर्ड कनेक्ट डीएक टूल रीस्टार्ट रीस्टोर सॉफ्टवेयर। तो ये हम डाउनलोड रिमेनिंग 3 बार डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है 6 तारीख तक। 3 दिन हमें मिलते हैं, 3 दिन के बाद हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको डाउनलोड करने के लिए कनेक्ट डीएक टूल सॉफ्टवेयर यहाँ डाउनलोड सेक्शन में इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद ही हमें यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये बता रहा है कि WinRAR आर्चिव फाइल है 7 GB। तो इसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के तुरंत बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 119 MB की फाइल है, 5 मिनट टाइम दिखा रही है यहाँ पे। तो हम इसे तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मेरी जो फाइल है वो यहाँ डाउनलोड हो चुकी है, ऑटोशॉप डीएक टूल, ठीक है। ये 119 MB की फाइल है, आप देखेंगे। तो इसे अब मुझे, ये एक जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट, कई लोग पूछते हैं कि कैसे करते हैं एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, पूरी फाइल को कॉपी करके पेन ड्राइव में डाल लेंगे और फिर कहते रहेंगे हो नहीं रहा है। कैसे होगा? ये पूरा एक बंडल है, लेकिन इसके अंदर हमारा अलग अलग स्टेप की फाइल हैं, और उनमें भी फिर हमें ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। तो इस फाइल के सबसे पहले आप एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है 7 ZIP। ये देख रहे हैं 7 ZIP WinRAR आर्चिव फाइल है। तो 7 ZIP एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। 7 यहाँ पे आप टाइप कीजिए गूगल में 7 ZIP, तो यहाँ आ जाएगा 7 ZIP डाउनलोड। और 7 ZIP डाउनलोड करने के लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और ये डाउनलोड 7 ZIP फॉर विंडोज़, ये विंडोज़ के लिए इतने सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो आपका जो कंप्यूटर है 32 बिट का है या 64 बिट का है, इन दोनों में से जो भी आपका कंप्यूटर है उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ये 64 बिट का है, और ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में ये डाउनलोडेड है। तो मैं इसको
डाउनलोड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आपको वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो फोल्डर है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। ऐसे राइट क्लिक करने पर यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे, तो आप देखेंगे चौथा पाँचवा ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट हियर, राइट। या फिर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं 7-Zip, ये 7-Zip है। और 7-Zip में जाने के बाद यहाँ आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट हियर एक ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका ये ऑटोशॉप का जो फोल्डर था वो ऐसा ही एक फोल्डर यहाँ नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे। हमारी जो पेन ड्राइव है सबसे पहले उसे हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए पेन ड्राइव को हम चूज़ करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन, और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम FAT32 डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चूज़ करें। उसके बाद स्टार्ट फॉर्मेट, वेट करते हैं। पेन ड्राइव कंप्लीटेड फॉर्मेट हो गया है, इसे हम क्लोज करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा जो फोल्डर बना है ऑटोशॉप उसको हम खोलेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है। उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ हमें upgrade.lgu नाम से एक जो फाइल दिख रही है, केवल वही फाइल हमें कॉपी पेस्ट करके पेन ड्राइव में डाल लेनी है, या यहाँ से हम उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो सेंड टू, सीधा हम यूएसबी में भी उसे यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये हमारी फाइल कॉपी हो रही है हमारे पेन ड्राइव के अंदर। जैसे ये कॉपी हो जाती है हम चलते हैं मीडिया नेविगेशन में। कॉपी हो गई है तो अभी हम इसे रिमूव कर लेते हैं और मीडिया नेविगेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट स्टेप की जो फाइल है उसको मैंने पेन ड्राइव में ले लिया है। यहाँ पे ये मेरी पेन ड्राइव है और इसमें मैंने फर्स्ट स्टेप में जो upgrade.lgu नाम की एक फाइल थी उसको मैंने इसमें पेस्ट कर लिया है। और अब मैं इस पेन ड्राइव को इसमें इंसर्ट कर देता। तो यहाँ पे आपको ये अपडेट करने के लिए बोलेगा, तो एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे ये देख रहे हैं आप अपडेट का बटन है, इसे प्रेस कर देना है और वेट करना है। यहाँ ये जो बार्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये पूरे चलेंगे, और जैसे ही ये ख़त्म होगा यहाँ पे आके उसके बाद ये सिस्टम अपने आप बंद होगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा और फिर से ऐसे बार चलेंगे। जब ये दो बार कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान रखना जब ये दो बार कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका अपडेट कंप्लीट हो गया, फिर हम सेकंड स्टेप के लिए चलेंगे। तो अभी वेट कर लेते हैं और फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट होने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा वेट करूंगा, तो अभी मैं जैसे ही फर्स्ट बार यहां पे आता है, अब देखेंगे फर्स्ट बार यहां पे आएगा अभी, और उसके बाद मैं इसको वेट कर पॉज कर दूंगा वीडियो को, उसके बाद मैं यहां पे जाके इसको खोलूंगा। तो थोड़ा ये टाइम लेगा, देखिए फर्स्ट बार यहां पे आ गया है और ये खाली है अभी, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ तक जब तक पहुँच जाएँ। तो अभी दोस्तों आप देखिए यहाँ पे केवल दो बार बचे हुए हैं
और ये भी अभी पूरे होने जा रहे हैं। पूरा होने के बाद में सिस्टम रिबूट होगा और दोबारा से अपडेट प्रोसीड करेगी, तो आपको ध्यान रखना है, अभी पेन ड्राइव को रिमूव नहीं करना है और कंप्लीट अपडेट होने देना है। ये देखिए, अपने आप सेकंड स्टेप सेकंड बार में उसका ऑन हुआ है अपडेट का मैसेज, और उसको कंप्लीट होने दीजिए। तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को, हालांकि अभी इतना देर नहीं लगेगा, लेकिन लेता है ये करीब लेता है 10 मिनट, 8 से 10 मिनट ये लेता है टोटल दोनों बार में मिला के, 8 से 10 मिनट में इसका टाइमिंग मान सकते हैं आप, ये लेता है। सो उसके बाद फिर हम परफॉर्म करेंगे सेकंड स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है, अपडेट हो रहा है। यहाँ ये अपडेट कंप्लीट होने वाली है, फर्स्ट स्टेप हमारा अभी कंप्लीट होने की तरफ है, लास्ट बार बचा हुआ है और आप देखेंगे कि ये जी हाँ कंप्लीट हो गया है और वापस से सिस्टम आ गया है, सिस्टम नॉट कॉन्फिगर्ड प्लीज कनेक्ट डीएक्टिव। तो सिंपली अभी हम करेंगे पेन ड्राइव को रिमूव और अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से सेकंड स्टेप की जो फाइल है upgrade.lg वो फाइल हम इसके अंदर लेके आने वाले हैं। तो मैं अपनी लैपटॉप से लेके आता हूँ। तो दोस्तों अभी हम दूसरे स्टेप की फाइल को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो USB में हमारी पहली फाइल है उसे हम फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के लिए हम फिर से वहीं जाएंगे, FAT32 सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट हो गया है फाइल हमारा पेन ड्राइव। अब हम अपने ऑटोशॉप के फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे और upgrade.lgu की जो फाइल है उसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे या सेंड कर देंगे USB ड्राइव में। तो हम देखेंगे यहाँ पे आके USB ड्राइव में आ गई है मेरी फाइल upgrade.lgu और ये केवल 295 KB की है, 295 KB मान लो। सो चलते हैं इसे हम सेकंड स्टेप के परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप की फाइल को इसमें कॉपी करके ले आया हूँ और अभी मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसे अपडेट कर देते। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत छोटा ये सेटअप है, सेकंड स्टेप का बहुत छोटी फाइल है, तो वो बहुत जल्दी से इसमें अपडेट हो जाएगी। उसके बाद परफॉर्म करेंगे थर्ड स्टेप। यहाँ आके जो चार बार इसमें बच जाते हैं तो थोड़ा सा वेट कराता है ये, तो आप पेशेंस के साथ में थोड़ा वेट कीजिए, कंप्लीट होने दीजिए इसको, और उसके बाद जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा फिर से स्टार्ट होगा और कंप्लीट होने जब तक डीएक टूल का मैसेज वापस से नहीं आता। तो ये रिबूट होके फिर से अपडेट हो रहा है और ये हो गया। अभी हमारा दो स्टेप हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। पेन ड्राइव को हम रिमूव कर लेंगे और थर्ड स्टेप के लिए हम पेन ड्राइव लेके चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और लेके आते हैं अपने थर्ड स्टेप की फाइल। तो
तो दोस्तों ये थर्ड स्टेप हम कॉपी करेंगे अभी, तो सेकंड स्टेप की फाइल हमारी पेन ड्राइव में अभी मौजूद है, इसे फिर से हम फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पे और ध्यान देंगे कि फैट 32 हो हमारा, इसे हम फॉर्मेट करने के लिए स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे फॉर्मेट होने का। जैसे ही ये फॉर्मेट हो जाएगा मैसेज आ जाएगा कंप्लीट फॉर्मेट, फॉर्मेट कंप्लीट, इसे क्लोज करेंगे। अभी हमारी पेन ड्राइव खाली है, थर्ड स्टेप हम उसमें लेंगे। तो थर्ड स्टेप की जो फाइल है उसमें हम अंदर जाएंगे और इन दोनों फाइल को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपनी पेन ड्राइव के अंदर। ये यहाँ USB में हम भेज देंगे दोनों फाइल्स को, जो कि 15.2 MB की है। और चलते हैं अपने मीडिया नेविगेशन में पेन ड्राइव को प्रोसेस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ थर्ड स्टेप का अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप को स्टार्ट करने में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपने इसमें पेन ड्राइव में थर्ड स्टेप की दोनों फाइल पेस्ट कर ली हैं और अभी इसको ऑन पोजिशन में नहीं लगाना है, तो अपने सिस्टम को कार को फुल्ली बंद कर दीजिए और की को निकाल लीजिए। अपने डैशबोर्ड में जो सामने स्पीडोमीटर है उसमें लाइट जब तक बंद नहीं हो जाती, यानी कि नॉर्मली 1 मिनट तक कार की चाबी को बाहर निकाल के रखिए, सिस्टम को फुल्ली बंद कर दीजिए। अभी मैं पेन ड्राइव को साइड में रख देता हूँ, सिस्टम को बंद करता हूँ। मैं यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट करूँ। और ऑफ मोड में ही मुझे पेन ड्राइव को लगा देना है। जब आपकी गाड़ी 1 मिनट से ज़्यादा बंद हुए हो जाए उसके बाद ऑफ मोड में पेन ड्राइव को आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी कार को की लगा के ऑन कीजिए। यहाँ क्योंकि ये बाहर है तो मैंने इसमें बाहर से किया है। ध्यान रखना है ये स्टेप अगर आपने स्किप कर दिया, आपने सिस्टम पहले ऑन कर दिया और पेन ड्राइव को बाद में इंसर्ट किया तो ये बूट नहीं करेगा। तो यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको सिस्टम को पहले बंद करना है। बंद करने के बाद 1 मिनट से ज़्यादा आपको गाड़ी की को बाहर निकाल के रखना है। 2 मिनट निकाल के रखिए घड़ी देख के, और जब आपके स्पीडोमीटर से लाइट चली जाए उसके बाद आपको दोबारा से सिस्टम को ऑन करने से पहले पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद कार की लगा के फिर से ऑन करना है। ये हमारा प्रोसीजर है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बूट नहीं करेगा। आप फिर कॉल करेंगे, नहीं हो रहा है, फिर से आपको दोबारा से ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दे करके इस चीज़ को ध्यान रखें और लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट वेट करना है। लगाते ही नहीं आएगा ये देखिए आपका जो सिस्टम है वो लोगो पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब आपका प्रोसेस सही चल रहा है। अगर लोगो नहीं आता, डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा कि कनेक्ट डीएफ टू, तो इसका मतलब आपका ये स्टेप सही नहीं जा रहा है। तो पेन ड्राइव लगाने के बाद जैसे ही ऑन करेंगे तो ये रिनोल्ट के लोगो पे रुक जाएगा और 3 मिनट के बाद एक्सेस होगा, वहाँ आपको दिखेगी स्क्रीन और स्क्रीन पे विंडो CE लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि आपका सिस्टम आपको परमिशन देगा अंदर से फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। तीन से चार मिनट आप वेट करेंगे।
ठीक है, अभी हमारा विंडोज़ एम्बेडेड CE6 खुल गया है, यानी हमारा जो थर्ड स्टेप है वो सही हो रहा है और हम उसे अब एक्सेस करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो माई डिवाइस लिखा हुआ है इसमें जाना है और डबल क्लिक करना है। उसके बाद MD फोल्डर जो है इस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ dmycom_test.evo ये एक फाइल दिखेगी और एक दिखेगी NKBIN। तो हमें ये जो dmycom_test.evo फाइल है इस पर एक बार सिलेक्ट करना है, इसको एडिट में जाना है, ऊपर देख रहे हैं आप एडिट, ध्यान से क्योंकि आप क्लिक कहीं करोगे कुछ खुल कुछ जाएगा, ऐसा भी कई बार होता है। तो बहुत ध्यान से कोई ऐसी पेंसिल ले लीजिए जो काफ़ी मजबूत भी हो और उसका नुकीला जो आगे का फ्रंट है वो स्क्रीन को भी नुकसान ना पहुंचाए और आपका काम भी आसानी से कर दे। एडिट करने के बाद ऑप्शन आएगा कट और कॉपी, हमें यहाँ कॉपी करना है, कट हो गया सॉरी, फिर से जाएंगे हम और कॉपी, ये अभी कॉपी हो गया। अब वापस जाएंगे, ये देखिए यहां से ये जो बैक बटन दिख रहा है यहां से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ है स्टोरेज कार्ड, स्टोरेज कार्ड में हम डबल क्लिक करेंगे और dmycom_test को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने ये परफॉर्म अभी पहले भी किया था तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो अभी मैं वापस से चलता हूँ और एडिट करके वापस नहीं जाना है मुझे, मैं आ गया स्टोरेज कार्ड में और स्टोरेज कार्ड में आने के बाद एडिट और यहाँ पेस्ट, पेस्ट करते ही आपके इस फोल्डर के अंदर ये dmycom_test.evo नाम का जो फाइल है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। ये इतना काम हो गया, उसके बाद आप पेन ड्राइव को रिमूव कर दीजिए, पेन ड्राइव को मैंने रिमूव कर दिया। अब आप ध्यान से जो जो जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूं वैसे वैसे आप करते चले जाइए। यहां आप dmycom_test.evo पे डबल क्लिक करेंगे तो माइकॉम कॉन्फ़िगरेशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये सारे पैरामीटर आप ध्यान से कुछ ना छेड़ें, जैसा है वैसे ही रहने दें। उसके बाद आप यहाँ पे एन रजिस्टर, ये जो नीचे एन रजिस्टर बटन है इसको एक बार प्रेस कर दें, एन रजिस्टर को प्रेस करने के बाद अब आप ये जो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं इतने सारे, अभी यूज़र इंटरफेस खुला हुआ है, इसके पीछे है ये एनवायरनमेंट PO, एयर एनवायरनमेंट P0, P1, ट्यूनिंग, तो हमें जाना है ट्यूनिंग में।
और यहाँ जो ये आप देख रहे हैं राइट DSI CNF, ये कहाँ है, ट्यूनिंग में। ट्यूनिंग में हमने जैसे क्लिक किया तो ये एक इंटरफेस खुला और यहाँ पे हमने राइट DSI CNF एक बार प्रेस किया। एक बार प्रेस करते ही हमारा ये एक विंडो खुल के आया। हम इस विंडो के जो ऊपर ओके है इसको एक बार प्रेस करेंगे और फिर से जो एक ये मैसेज आया है इसमें भी एक ओके है उसको फिर से प्रेस करते हैं और इस विंडो को अब यहाँ से क्रॉस वाले निशान को दबा के बंद कर देंगे। अभी हम जाएंगे रीसेट ECU, ये लास्ट वाली है, ठीक है। ट्यूनिंग ये था, ट्यूनिंग से हम आए हैं और यहाँ जाएंगे हम राइट रीसेट ECU। रीसेट ECU में हम सबसे पहले क्लियर वर्जन ये वाला बटन दबाएंगे। यहाँ चार बटन दिख रहे हैं आपको, तो सबसे पहले हम क्लियर वर्जिन बटन दबाएंगे तो यहाँ एक प्रोग्रेस बार चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। क्लियर ULC को हम प्रेस करेंगे दूसरी बार और ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिर से ये चलेगा। इसके बाद हम एन रजिस्टर इसको प्रेस करेंगे नीचे, ये प्रेस चलेगी, ये प्रेस करने के बाद पूरा प्रोग्रेस चलेगी। और जैसे ही ये कंप्लीट होती है यहाँ पे आप देखेंगे रेडी मिरर, ठीक है, इसको एक बार हम प्रेस करें तो इसके प्रेस करते ही सिस्टम आपका बंद हो जाएगा और रिबूट होगा। आपका सिस्टम जो है रिबूट होने के बाद सही कंडीशन में ऑन होगा और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपके फंक्शन सभी काम करेंगे। लेकिन अभी एक मैसेज आने वाला है, अभी एक मैसेज आएगा इसके ऊपर, ये रहा मैसेज, और ये मैसेज है कैन नॉट ओपन द अवेलेबल मैप फाइल्स विद योर लाइसेंस। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि हमने ये डाउनग्रेड किया है 6.0.3 वर्जन में। वर्जन चेक कर लेते हैं 6.0.3, तो क्योंकि आपका मैप जो है वो 6.0.3 से बड़े वाले वर्जन का है यानी अपग्रेडेड वर्जन का है, तो डेफिनेटली इसके साथ में वो मैच करेगा ही नहीं, इसलिए मैप आपका ऑन नहीं होगा। तो यहाँ आपको अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड पैकेज खरीद लेना है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। आप जाएँ और सॉफ्टवेयर अपग्रेड 9.1.3, आपका कोई भी वर्जन हो, 7.0.5 था या 8.0.5 था या 9.1.1 9.1.2, यहाँ इनमें से चारों में से कोई भी था, आप सीधा टॉप एंड का अब अपडेट कीजिए 9.1.3, उसके साथ में आपका मैप सही से चलेगा और लेटेस्ट वर्जन भी रहेगा और सारे लेटेस्ट फीचर भी काम करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने देखा कि अगर सिस्टम में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कैसे हम उसे रिजोल्व करते हैं। वीडियो देखने के लिए।